हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। आज आगे बढ़ने वाले हैं अपन एल्कोहलों की रासायनिक अभिक्रियाओं में, और उसमें देखने वाले हैं एल्किल और OH समूह की सम्मिलित अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे। उसमें देखने वाले हैं सेकेंड पार्ट, निर्जलीकरण के बाद विहाइड्रोजनीकरण। लेकिन निर्जलीकरण जो है वो एक बीटा विलोपन का एग्जाम्पल था। निर्जलीकरण एल्कोहलों का जब होता है तो जल के अणु का निष्कासन होता है, उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। अपने पास ये एल्कोहल है और इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं सांद्र H2SO4 के साथ, वही 443 केल्विन टेम्परेचर पे। तो OH समूह है जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो अल्फा, इससे अगला इधर बीटा और ये इधर भी बीटा। अब बीटा हाइड्रोजन दो टाइप के हैं, ये बीटा विलोपन का ही एग्जाम्पल है निर्जलीकरण अभिक्रिया। तो दो प्रकार के उत्पाद बनेंगे, यदि ये हाइड्रोजन ये OH हटाता हूँ तो देखो क्या बनेगा, ये CH2 है, CH3, CH डबल बोन CH और CH3, ये OH और ये H निकाल दिया, यहाँ डबल बोन लगा दिया। प्लस यदि मैं ये H और ये OH निकालता हूँ, यानी ये बीटा हाइड्रोजन ये OH, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बोन CH, यानी ये H ये OH हटा के यहाँ डबल बोन लगा दिया, फिर CH2 और CH3, यानी दो उत्पाद बनेंगे। मुख्य उत्पाद जो होगा वो ये होगा और वो सहतजैफ नियमानुसार बनता है, यानी एल्कोहलों के निर्जलीकरण से यदि बीटा हाइड्रोजन परमाणु दो टाइप के हैं तो वो एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में निर्मित होती है, जिसके द्विआबंधित कार्बन परमाणु पर प्रतिस्थापी समूह की संख्या अधिक होती है। अब प्रतिस्थापी समूह देखो, उस वाली एल्कीन पर यह स्थिति है जिसको अपन मुख्य बता रहे हैं, और दूसरी वाली एल्कीन है ये। तो द्विबंध पर देखो प्रतिस्थापी समूह है, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापी समूह नहीं माना जाता है। द्विबंधित कार्बन परमाणु पर दो प्रतिस्थापी, इसमें एक दो तीन, ये तो हाइड्रोजन है, ये एक प्रतिस्थापी और इधर दो प्रतिस्थापी समूहों की संख्या जहाँ ज़्यादा होगी वो मुख्य उत्पाद के रूप में बन जाएगा। तो 2-ब्यूटीन मुख्य उत्पाद, 1-ब्यूटीन अल्प उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। तो ये तो बात हुई निर्जलीकरण की। अब देखते हैं वी हाइड्रोजनीकरण, और वी हाइड्रोजनीकरण का मतलब है हाइड्रोजन का निकलना। तो अपने पास एल्कोहल होंगे, ये, और एल्कोहलों का जब वी हाइड्रोजनीकरण होगा तो OH बंध भी टूटेगा और CH बंध भी टूटेगा। ये H और ये H, H2 निकल जाएगी, इसकी एक वैलेंसी फ्री हो गई, इसे को ऑक्सीजन की भी फ्री हो गई, तो ये कार्बन डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन, एक बंध तो था ही और एक इसकी वैलेंसी खाली हो गई, एक इसकी, दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड लगा देते हैं, यानी एल्कोहलों से हाइड्रोजन निकल गया। और जब एल्कोहलों से हाइड्रोजन निकलता है तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का निकलना भी क्या है, ऑक्सीकरण कहलाता है, तो ये ऑक्सीकरण है। अब वी हाइड्रोजनीकरण इसको इसलिए कह रहे हैं डीहाइड्रोजिनेशन, क्योंकि इसमें H2 निष्कासित हो रहा है, हाइड्रोजन का निकलना वी हाइड्रोजनीकरण भी कहलाता है, और ये ऑक्सीडेशन का भी एग्जाम्पल है। इसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध का क्या होता है, विदलन होता है, यानी CH बंध और OH बंध का विदलन होगा। दो बंध टूट रहे हैं अपने CH और OH, तो वी हाइड्रोजनीकरण हो रहा है। अब देखो वी हाइड्रोजनीकरण के कुछ एग्जांपल देते हैं, देखते हैं। एल्कोहलों की वाष्प को कॉपर उत्प्रेरक की सतह से 573 केल्विन ताप पर गुजारने पर, यानी तप्त कॉपर उत्प्रेरक की सतह से एल्कोहलों की वाष्प को गुजारने पर एल्कोहल विहाइड्रोजनीकृत या निर्जलीकृत हो जाते हैं, और उत्पाद के रूप में प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल एल्डिहाइड और कीटोन और तृतीयक एल्कोहल एल्कीन निर्मित करते हैं। एल्कोहलों की वाष्प को, एल्कोहलों की
वाष्प को, तब कॉपर उत्प्रेरक की सतह से गुजारने पर 1 डिग्री एवं 2 डिग्री अल्कोहल वी हाइड्रोजनीकृत होकर कार्बोनिल यौगिक एवं तृतीयक अल्कोहल यानी 3 डिग्री अल्कोहल निर्जलीकृत होकर एल्कीन निर्मित करते हैं। जब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों की वाष्प को कॉपर उत्प्रेरक की सतह से 573 केल्विन पर जब गुजारते हैं अपन, तो 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल कार्बोनिल यौगिक बनाते हैं और 3 डिग्री अल्कोहल निर्जलीकृत हो जाते हैं यानी जलकाणु निष्कासित करके एल्कीन बनाते हैं। तो देखो पहले एग्जाम्पल देखते हैं प्राथमिक अल्कोहल का, RCH2OH कॉपर उत्प्रेरक की सतह पर 573 केल्विन पर जब इसकी वाष्प निकालेंगे गुजारेंगे तो ये बंध भी विदलित हो जाता है, ये बंध भी विदलित हो जाता है, क्या बन जाएगा, H2 निकल जाता है, ये H2 प्लस ये RCH और इधर एक एक वैलेंसी ऑक्सीजन और कार्बन की खाली हो गई, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या लगा दो, कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन RCHO यानी LDH और इन्हीं को अपन कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। जब अपन द्वितीयक अल्कोहल लेते हैं तो ये RCHROH ये 2 डिग्री अल्कोहल है कार्बन से, जिस कार्बन से OH जुड़ा उससे 2 कार्बन और जुड़े हुए, तो बंध तो वही टूटना है, कौन सा, एक OH बंध और एक CH बंध, तोड़ दो दोनों को, रिएक्शन वही कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 573 केल्विन पर होती है, एक H ये H H2 प्लस ये बन गया R R C से जुड़े हुए एक बंध C और ऑक्सीजन के बीच में है ही, और दूसरा बंद लगा दो, इसकी एक वैलेंसी फ्री, इसकी भी एक वैलेंसी फ्री हो गई, तो दो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये कहलाते हैं कीटोन, ये भी कार्बोनिल यौगिक हैं, तो एल्डिहाइड और कीटोन यानी प्राथमिक अल्कोहल और ये द्वितीयक अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन देते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड निर्मित करते हैं। अब देखो तृतीयक अल्कोहल लेते हैं, और तृतीयक अल्कोहलों के अंदर अपने को एक ओरिजिनल एग्जांपल लेना पड़ेगा, ये ले लेते हैं CH3 और OH Cu 573 केल्विन, लेकिन अब की बार ये बंद तो टूटने, OH बंद टूटने के लिए तो है हाइड्रोजन, लेकिन CH बंद टूटने की स्थिति में नहीं है, तो फिर उस परिस्थिति में इसकी वैलेंसी पूरी कैसे होगी, यानी इसके साथ टूटने वाला इस कार्बन पर हाइड्रोजन मौजूद ही नहीं है, तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा नहीं, तो क्या होगा, ये CH3 और ये H, इस कार्बन हाइड्रोजन बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ डबल बॉन्ड के रूप में, और ये OH निष्कासित हो जाता है। जब कौन से अल्कोहल लेते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल, तो ये H और ये OH मिलकर के -H2O और ये बन जाएगा CH3 और ये आ जाएगा यहाँ डबल बॉन्ड CH2, ये क्या कहलाती है,
एल्कीन, और ये 2 मेथिल प्रोपीन है, 1, 2, 3 डबल बॉन्ड, यानी क्रियात्मक समूह को पूरा शामिल करते हुए नामकरण करेंगे तो 1, 2, 3 या 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 2 पे मेथिल आ रहा है, 1, 2, 3 2 पे मेथिल, 2 मेथिल प्रोपीन हो जाएगा, एल्कीन उत्पाद के रूप में बनती है। तो प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल कार्बोनिल यौगिक, प्राथमिक एल्कोहल एल्डिहाइड, द्वितीयक एल्कोहल कीटोन देते हैं, और तृतीयक एल्कोहल वी हाइड्रोजनीकृत नहीं होते हैं, क्या होते हैं, निर्जलीकृत होते हैं और एल्कीन उत्पाद के रूप में निर्मित करते हैं। क्यों? क्योंकि OH बंध टूटने के लिए तो हाइड्रोजन है, लेकिन CH बंध विदलन के लिए इस कार्बन पर हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, तो फिर ये H यहाँ से निकलती है और OH हो जाता है और जल का अणु निष्कासित होने के कारण एल्कीन बन जाती है। ये है प्राथमिक द्वितीयक एल्कोहलों का वी हाइड्रोजनीकरण और तृतीयक एल्कोहलों का निर्जलीकरण किसकी उपस्थिति में, कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में, रिएक्शन होती है 573 केल्विन तापमान पर। अब देखो एल्कोहलों का ऑक्सीडेशन देखते हैं अपन, ऑक्सीडेशन, और एल्कोहलों का जब ऑक्सीडेशन होता है, ये एल्कोहल है एच एच, या एच मान सकते हैं या एल्किल समूह मान सकते हैं, इनमें एक ऑक्सीडेशन होता है तो वी हाइड्रोजनीकरण के समान ही OH और CH बंध का विदलन होता है। अब ये क्या होते हैं, जब ऑक्सीडेशन होता है तो कोई ऑक्सीकरण अभिकर्मक अपन काम में लेते हैं, वो क्या देता है, वो ऑक्सीजन देता है, वो ऑक्सीजन इन हाइड्रोजनों के साथ जुड़ करके क्या बना लेती है, H2O निर्मित कर लेती है, तो ये कार्बोनिल यौगिक बन गया और साथ में H2O निष्कासित हो गई, यानी ये हाइड्रोजन और जो ऑक्सीकरण अभिकर्मक अपन लेंगे उसके द्वारा दी गई ऑक्सीजन जुड़ के जल बना लेती है, और पीछे रह जाएगा अपना ये एक वैलेंस इस ऑक्सीजन की, एक इस कार्बन की, दोनों मिलके डबल बॉन्ड बना लेते हैं। अब देखो जब प्राथमिक एल्कोहलों का ऑक्सीडेशन होता है प्राथमिक एल्कोहल, ये प्राथमिक एल्कोहल यानी 1 डिग्री एल्कोहल है, तो ये OH ये CH बंध टूटता है, ये ऑक्सीकरण अभिकर्मक द्वारा दी गई ऑक्सीजन, ये दोनों H मिल करके क्या बना लेते हैं, H2O, पीछे रह जाएगा क्या RCH, और यहाँ दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, RCHO बन जाएगा, यानी मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन और H, इसको कहते हैं एल्डिहाइड, और ये कौन से एल्कोहल हैं, 1 डिग्री एल्कोहल। फिर इसका ऑक्सीडेशन आगे होता है और ऑक्सीकरण करवाते, तो अब OH पर हाइड्रोजन नहीं है, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये दुर्बल बॉन्ड टूटता है और ये ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में एंटर कर जाती है, यानी R C डबल बॉन्ड O और सी के और एच के बीच में एक ऑक्सीजन आ जाती है, सी के और एच के बीच में एक ऑक्सीजन, क्या बन जाते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। यानी 1 डिग्री एल्कोहलों का जब ऑक्सीडेशन होता है तो पहले एल्डिहाइड और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। अब आ जाते हैं 2 डिग्री एल्कोहलों पर, ये अपन यहां ले लेते हैं CH3, ये भी 2 डिग्री एल्कोहल है, बंद कौन सा टूटता है, एक OH और एक CH, किसकी उपस्थिति में, किसी ऑक्सीकरण अभिकर्मक की उपस्थिति में, ये H, ये H और ये ऑक्सीजन माइनस H2। अब इसकी एक वैलेंसी एक वैलेंसी इसकी मिलकर के यहां डबल बॉन्ड लगा देते हैं, CH3 डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन, क्या बन गए, ये 2 डिग्री एल्कोहल और इनसे अपने को कीटोन मिल गया। अब कीटोनों का ऑक्सीडेशन साधारण परिस्थितियों में नहीं होता है, लेकिन प्रबल परिस्थितियों में, उच्च ताप और प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में,
जब इनका ऑक्सीडेशन होता है तो इन कार्बन कार्बन बंधु का विदलन होता है और कार्बोक्सिलिक एसिडों का मिश्रण बनता है। तो यहाँ अपने को कार्बोक्सिलिक एसिडों का मिश्रण, ये एक कार्बन का, तो इसका एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएं तो ये बन जाएगा एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएं तो ये हो जाएगा CH3COH, यानी कार्बोक्सिलिक एसिडों का मिश्रण अपने को प्राप्त होता है। एक कार्बन का फॉर्मिक एसिड, दो कार्बन का एसिटिक एसिड, तो इसमें दो कार्बन रह गए और उसमें एक कार्बन। तो कीटोनों का प्रबल परिस्थितियों में ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बन कार्बन बंधु का विदलन होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड उत्पाद के रूप में निर्मित होते हैं। फिर आते हैं तृतीयक अल्कोहल पर, तृतीयक अल्कोहलों का भी साधारण परिस्थितियों में ऑक्सीडेशन नहीं होता है लेकिन प्रबल परिस्थितियों में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। और यहां भी ऑक्सीकरण जब होता है प्रबल ऑक्सीकारक और प्रबल परिस्थितियों में उच्च ताप पर, तो कार्बन कार्बन बंधों का विदलन होता है। जैसे इस कार्बन कार्बन कोई निश्चित नहीं है कि ये कार्बन कार्बन बंध ही टूटेगा, ये विदलित हो जाता है तो एक बन जाएगा एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड और इधर बन जाएगा ये कीटोन CH3, फिर सी डबल बॉन्ड ओ और CH3, ये कीटोन बन गया। और कीटोनों का जब ऑक्सीडेशन होता है तो ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। तो जब कीटोनों का ऑक्सीकरण होता है आगे तो कार्बोक्सिलिक एसिडों का मिश्रण निर्मित होता है और कार्बन कार्बन आबंधों का विदलन होता है। और ये फिक्स नहीं है कौन सा बंध टूटने वाला है, तो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिडों का मिश्रण अपने को मिलता है। ये आगे फिर टूट जाएगा, यानी ये रिएक्शन आगे होगी और फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड अपने को मिल जाएगा। तो ये तो बात हुई कीटोनों के ऑक्सीकरण की। अब यहाँ ऑक्सीकरण अभिकर्मक काम में लेते हैं CrO3, इसका नाम है क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड, ये ऑक्सीकरण अभिकर्मक है यानी ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले। PCC पीरीडीनियम क्लोरो क्रोमेट, यानी पीरीडीन ये होती है HCl+CrO3, इसको कहते हैं पीरीडीनियम क्लोरो क्रोमेट। अब देखो PCC में ये H+ तो चला जाएगा यहाँ, तो ये बन जाएगा पीरीडीनियम आयन N पॉजिटिव H, ये क्लोराइड चला जाएगा Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये Cl- H+ इधर निकल गया, ये Cl-। अब Cl- क्या करेगा, इस पे आक्रमण करेगा तो इस बंद के इलेक्ट्रॉन यूँ शिफ्ट हो जाएंगे, यानी ये Cl- कहाँ आक्रमण करेगा, इस जगह, तो ये बन जाएगा Cr डबल बॉन्ड O O- डबल बॉन्ड O और Cl। ये जो आप देख रहे हो ये तो है पीरीडीनियम और ये है क्लोरोक्रोमेट, इसको कहते हैं PCC पीरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, तो ये भी ऑक्सीकारक है। इसके अलावा KMnO4 ये प्रबल ऑक्सीकारकों की श्रेणी में आता है, ये भी ऑक्सीकारक है। तो CrO3 PCC KMnO4 KMnO4 जो है प्रबल ऑक्सीकारकों की श्रेणी में आता है, इसका मतलब ये कीटोनों को कार्बोक्सिलिक अम्लों में परिवर्तित करने में काम में आता है। ये जो है वो प्राथमिक अल्कोहलों को एल्डिहाइडों में कन्वर्ट करने की क्षमता रखते हैं, आसानी से उनमें कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये ऑक्सीकारक और ये पीरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो ये है अल्कोहलों का ऑक्सीडेशन, प्राथमिक अल्कोहल एल्डिहाइड देते हैं उनका आगे ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, द्वितीयक अल्कोहलों का ऑक्सीडेशन कीटोन देते हैं लेकिन इनका आगे प्रबल परिस्थितियों में ऑक्सीकरण होता है, कार्बन कार्बन बंधु का विदलन होता है और कार्बोक्सिलिक एसिडों का मिश्रण बनता है। तृतीयक अल्कोहल साधारण परिस्थितियों में ऑक्सीकृत नहीं होते लेकिन जब ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोक्सिलिक अम्लों और कार्बोनिल यौगिकों का मिश्रण बनता है, कार्बोनिल यौगिक फिर आगे ऑक्सीकृत फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल ही अपने को ओवरऑल प्राप्त होते हैं। यह है अल्कोहलों का ऑक्सीडेशन।